नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या कहते हैं ग्रह गोचर, आपके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी शिक्षा, नौकरी, व्यापार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, सभी की संपूर्ण चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। इसके अलावा दर्शकों, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि नवंबर में ग्रहों की स्थिति आपके लिए किस प्रकार की बनी हुई है। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से छठे भाव में हैं। इसके बाद सूर्य की स्थिति समझें तो सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा नवंबर में, यानी नीच राशि के रहेंगे आपके एकादश भाव में। 15 तारीख तक वो नीच के रहेंगे, यहाँ पर पैसों की तंगी सूर्य करवा सकते हैं। इसके बाद वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके द्वादश भाव में। इसके बाद देखिए दर्शकों, मंगल की स्थिति को समझें तो मंगल का गोचर कर्क राशि में हो रहा है, आपकी राशि से अष्टम भाव में। ये भी थोड़ी दिक्कत परेशानी देंगे आपको, इसके आगे हम बात करेंगे। बुध की स्थिति को समझें, देखिए दर्शकों, बुध का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है, आपकी राशि से 12th हाउस में। यहाँ पर विदेश जाने के योग अच्छे बनाएंगे बुध आपके लिए। शुक्र की स्थिति आपकी राशि पर ही बनेगी नवंबर में, शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद में शनि तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और वो मार्गी भी होने जा रहे हैं 15 नवंबर को, ये आपके लिए अच्छी स्थिति बनाएंगे। राहु का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में हो रहा है और केतु का गोचर आपके दशम भाव में बना हुआ है। ये सभी ग्रह मिलकर आपको कैसे प्रभावित करेंगे, इसकी विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवंबर में कौन से दिनों में आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए, चंद्रमा का जब भी गोचर अशुभ भाव में होता है या फिर राहु या शनि के संपर्क में आते हैं, तो वो दिन हमारे लिए तनाव वाले रहते हैं, कष्ट वाले रहते हैं, तो उन तारीखों को सावधान रहना जरूरी है। अब देखिए दर्शकों, सबसे पहले 3 और 4 तारीख का दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा राशि से 12th हाउस में रहेंगे, खर्चे बढ़ाने वाला दिन रहेगा ये। कोई ना कोई अचानक खर्च आपके सामने आएगा, या तो आप अपने शौक पूरे करने के पीछे या दिखावे के पीछे खर्च कर सकते हैं, तो बचना चाहिए आपको खर्चों से। मानसिक तनाव भी हो सकता है, भागदौड़ रहेगी इस दिनों में, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, 16 और 17 तारीख का दिन अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में रहेंगे, कोई ना कोई तबियत खराब हो सकती है, आपके स्वास्थ्य की परेशानी दिख रही है इस दिन में, तो थोड़ा सावधान रहिए अपनी हेल्थ को लेकर। कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए, ये भी ध्यान रखने की बात रहेगी यहाँ पर। इसके बाद देखिए दर्शकों, आगे देखें तो 20 और 21 तारीख का दिन अच्छा नहीं है, इस दिन चंद्रमा अष्टम में रहेंगे और साथ में राहु का भी प्रभाव चंद्रमा पर, कोई ना कोई बड़ा तनाव रहेगा आपके ऊपर, भागदौड़ रहेगी, चिंता में रहेंगे, स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर हटने का प्रयास करिए, अपने मन को शांत रखिए। जो भी कोई भी बड़ा डिसीजन है उसको टालिए, इस दिन आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं शुभ दिन कहाँ पर है, कौन से दिनों में आपको अच्छे लाभ होंगे, कौन से दिनों में अच्छे राजयोग बन रहे हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले 7 और 8 तारीख का दिन बहुत अच्छा रहेगा नवंबर में आपके लिए, क्योंकि 4-10 का संबंध गुरु चंद्रमा का आपको आर्थिक लाभ जरूर करवाएगा। आपका कोई फंसा हुआ पैसा है तो इस दिन प्रयास करिए, कोई बड़ा पेमेंट आपको मिल सकता है, धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, अच्छी स्थिति है। इसके बाद देखिए दर्शकों, 16 और 17 तारीख का दिन भी अच्छा है आर्थिक दृष्टिकोण से। इसका हमने पहले आपको बताया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस दिनों में, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिन कमजोर नहीं है, गुरु चंद्रमा की युति रहेगी जो आपको धन लाभ जरूर करवाएगी। इसके बाद देखिए दर्शकों, 24 तारीख का दिन काफी शुभ रहेगा, 4-10 का संबंध बनेगा, गुरु चंद्रमा का गज केसरी राजयोग बनेगा, तो अच्छे आर्थिक लाभ इस दिन भी आपको अवश्य होंगे। अब देखिए दर्शकों, विस्तार से बात करते हैं कि सभी के लिए नवंबर कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स की, कि आपकी पढ़ाई कैसी रहेगी। देखिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, क्योंकि शिक्षा भाव के मालिक मंगल आपकी नीच राशि में चल रहे हैं, शुक्र का गोचर आपकी राशि पर है, तो थोड़ा सा आपका ध्यान भटकेगा पढ़ाई से, आप एंटरटेनमेंट के पीछे ज़्यादा भागेंगे, सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद करेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा, कॉन्सेंट्रेट लगा के आप पढ़ाई करिए, लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहिए। अगर आपकी कोई एग्जाम वगैरह आ रही है तो पहला सप्ताह बहुत अच्छा है, खास करके 6 से लेकर 10 तारीख बहुत अच्छी है आपके लिए। इस दिनों में कोई एग्जाम है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तो आपके पक्ष में आ सकते हैं परिणाम, अच्छी स्थिति है। या फिर कोई बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, इन तारीखों को आप जाइए, अच्छे आपको लाभ प्राप्त होंगे। अब देखिए बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की क्या स्थिति बन रही है। देखिए दर्शकों, नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो आपकी दशम भाव के मालिक बुध का गोचर 12th हाउस से हो रहा है और वहां पर गुरु आपके लिए शुभता बना रहे हैं। केतु के कारण थोड़ी दिक्कत परेशानी तो बनी हुई है कार्य क्षेत्र में, तनाव हो सकता है, थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी, काम का बोझ रहेगा,
प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा मन अशांत रहेगा इस महीने में, क्योंकि देखिए आपकी कुंडली में इस महीने छठे भाव और आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन हुआ है, शुक्र गुरु का परिवर्तन हुआ है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, एक तरह से भागदौड़ बढ़ाने वाला समय रहेगा। मन को शांत रखने का प्रयास करिए, किसी से वाद विवाद में मत उलझिए, अन्यथा कार्य क्षेत्र में दिक्कत परेशानी का अनुभव करेंगे आप। अब बात करते हैं व्यापारियों के लिए क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए व्यापारियों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर परेशानी आपके लिए भी रहेगी, मनी मनी की प्रॉब्लम रहेगी, खास करके पैसों की तंगी महसूस करेंगे आप, क्योंकि सूर्य का गोचर नीच राशि में हो रहा है। 15 तारीख तक परेशानी दिख रही है, इसके बाद स्थितियों में सुधार जरूर होगा। हालांकि अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो ये महीने में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपको बड़े लाभ होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप किसी भी तरह से पार्टनरशिप में काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, पार्टनर के साथ वाद विवाद होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। देखिए आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो आधा महीना इतना अच्छा नहीं है, 15 तारीख तक तो परेशानी रहेगी। सूर्य का नीच राशि में गोचर है तो एक बात का ध्यान रखिए कि सरकार के विरोध में कोई काम मत करिए, टैक्स चोरी करना, घूसखोरी करना, ये सब बहुत भारी पड़ सकता है आपके ऊपर। किसी भी तरह से अगर सरकार से जुड़े हुए रहकर आप कोई काम करते हैं, कोई टेंडर वगैरह का काम करते हैं, तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी जरूरी है। आर्थिक स्थिति में दिक्कत परेशानी रहेगी 15 तारीख तक, उसके बाद जरूर सुधार होगा। आपको ध्यान रखना है कि कानून विरोधी कोई भी काम मत करिए, गैर कानूनी काम करना भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो फिर वो अपमानित करवा देते हैं। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपके लिए कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। देखिए मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए महीना काफ़ी अच्छा है, शुक्र का गोचर सप्तम भाव पर को प्रभावित करेगा, तो इस कारण वैवाहिक जीवन में मधुरता जरूर आएगी। आप दोनों घूमने फिरने का भी प्लान कर सकते हैं, अच्छी स्थिति दिख रही है, आपके पार्टनर आपको समझेंगे। परंतु एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ में कि मंगल का गोचर राशि से अष्टम में है तो आपके पत्नी के ससुराल वालों से आपके कोई ना कोई मतभेद हो सकते हैं, या फिर जो अगर आप महिला हैं तो भी आपके ससुराल वालों से आपको परेशानी हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको, अन्यथा आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। पति पत्नी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परंतु ससुराल पक्ष से झगड़े होते हुए दिख रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी है। प्रेम संबंधों के हिसाब से देखा जाए तो महीना तो अच्छा है, शुक्र का गोचर शुभ है, परंतु मंगल नीच में है तो ईगो के कारण आपके परेशानी आएगी, कोई ना कोई झगड़े फसाद होते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने का प्रयत्न करिए, अन्यथा आपके ब्रेकअप के पूरे योग बन रहे हैं इस महीने में। अब देखिए दर्शकों, बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ की क्या परेशानी हो सकती है। देखिए दर्शकों, सूर्य नीच के, मंगल नीच के, अष्टम में मंगल नीच के, ये दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए आपको, शराब पी के गाड़ी चलाना, रात्रि में गाड़ी चलाना थोड़ा सा अवॉइड करिए इन चीज़ों को, अन्यथा एक्सीडेंट की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव होना, आंखों का दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये सब शिकायत हो सकती है इस महीने में। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसलिए समय पर अपना चेकअप करवाइए। हृदय रोग से संबंधित परेशानी है, हार्ट पेशेंट हैं आप, तो भी अपना ध्यान बहुत ज्यादा रखिए 15 तारीख तक, इसके बाद स्थितियों में सुधार जरूर होगा। अब देखिए आपको उपाय क्या करना चाहिए इस महीने को शुभ और लाभकारी बनाने के लिए। देखिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गुरुवार के दिन आपके जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। अगर आप महिला हैं तो आपको गुरुवार का व्रत करना भी बहुत शुभ रहेगा, आपके जीवन में शुभ लाभ जरूर होंगे। अब देखिए दर्शकों, ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपने कुंडली से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।